हाय दोस्तों, तो आज से हमारी एक राइड शुरू हो रही है जो हम जा रहे हैं नेपाल। नेपाल के लिए नेपाल पोखरा जा रहे हैं, वहाँ से फिर देखते हैं अगर हो पाया तो मुस्तांग वैली भी जाएंगे, लोअर मुस्तांग। तो आप देख रहे हो बाइक एकदम रेडी हो चुकी है एकदम। तो दोस्तों बाइक एकदम सेट है, सामान वगैरह अरेंज कर लिया है, देख रहे हो मस्त लग रही है भाई। ये टॉप बॉक्स भी ले लिया था मैंने, तो उसके अंदर सामान रख लिया। तो गोरखपुर तक धर्मेंद्र भी जाएगा, अगर गोरखपुर तक गया, नहीं तो फिर मऊ इसको मैं छोड़ दूंगा। मऊ तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जा रहा है, क्योंकि थोड़ा अंधेरा है, रात में फर्स्ट टाइम मैं ये कर रहा हूँ ट्रेवलिंग। तो फिर दोस्तों मिलते हैं बाइक पे। धर्मेंद्र नेपाल तक चलेगा? नेक्स्ट टाइम चलेंगे, नेक्स्ट टाइम का बोल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर बाइक पे। तो बाइक चल दी है और हम निकल लिए हैं अपने नए राइड पर जो जा रहे हैं हम नेपाल। तो हम मैं जाऊंगा मऊ होते हुए गोरखपुर, गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर, सोनौली बॉर्डर से बुटवल और पोखरा। तो ये रूट रहेगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:10 हो चुके हैं और हम अपना कैंपस छोड़ रहे हैं। तो इधर से हम कैंट होते हुए जाएंगे। रात में थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो गया है और भी कम हो जाएगा आगे। और अभी हम कैंट पे हैं, कैंट से निकलेंगे पांडेपुर हो गए हाईवे पर। रात में एकदम मस्त लगता है, लाइटिंग वाइटिंग नहीं, अगर चलती तो और अच्छा लगता। देखिएगा गाइस क्या मस्त लग रहा है, क्या बात है, कड़क रात में देखने में एकदम बढ़िया लग रहा है। दोस्तों रास्ता एकदम खाली है हाईवे और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, आराम आराम से चल रहे हैं, कुछ जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं रात में राइडिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं रात में गाड़ी चलाने में और मुझे दिखता भी कम है। तो ये है, तो यहां से गोरखपुर है 180 किलोमीटर, आपको सामने बोर्ड दिख रहा है, देखिए जौनपुर है 61, गाजीपुर है 40 किलोमीटर। हम जाएंगे गोरखपुर गाजीपुर होते हुए। तो अभी अभी हम कुल मतलब 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई है बस, आराम आराम से चल रहे हैं। अभी तक हाईवे एक नंबर है, एकदम बढ़िया हाईवे एकदम, और ऊपर से खाली, आगे भी ऐसे रोड मिल लेगा तो अच्छा रहेगा, और एकदम मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहा था राइड की, तो आखिर आ ही गया हूँ। काफ़ी लोगों को बोला था अपने राइडर ग्रुप में चलने के लिए, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ लोगों के पापा मना कर रहे थे इतनी दूर नहीं जाओ। तो आखिर में मुझे ही सोलो राइड के लिए निकलना पड़ा, लेकिन धर्मेंद्र मिल गया, इसको मऊ तक छोड़ दूंगा, ये घर चला जाएगा, उसके बाद मैं अकेला सोलो राइड करूंगा। तो देखते हैं क्या होगा, भगवान से दुआ करिएगा दोस्तों सब कुछ अच्छा रहे, राइड कंप्लीट हो मेरी, और मुझे ये राइड से सोलो राइड करने से भी पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा ये राइड करके। मऊ इधर से 83 किलोमीटर है और गाजीपुर रह गया अभी 38 किलोमीटर। तो धीरे धीरे चलेंगे, पहुंच जाएंगे, टाइम बहुत है अपने पास, क्योंकि नाइट में तो वाटर पे क्रॉस वैसे भी नहीं करने देते, मॉर्निंग में क्रॉस करने देंगे। तो रुकते रुकते धीरे धीरे आराम से जाएंगे चाय पीते हुए। तो दोस्तों अभी हम मऊ पहुंचने वाले हैं, तो ये चेक पोस्ट है,
तो पुलिस ने मैं रोका, पूछा जरा चेकिंग किया हमारा कहाँ जा रहे हैं। तो अभी पहुंचने वाले हैं मऊ, बैठो। और धर्मेंद्र का स्टॉपेज आने वाला है, धर्मेंद्र को तो छोड़ देंगे और हम चले जाएंगे आगे गोरखपुर की तरफ। हाँ हाँ, वो सोच रहे क्या सामान लेके जा रहे हैं। अबे गाय का एक्सीडेंट हो गया, वेरी सैड। दोस्तों मुंह धो लिया एकदम, जिससे थोड़ी थकान मिट जाएगी। और हम पहुंच गए अभी गाजीपुर, तो यहाँ चाय पियेंगे उसके बाद चलते हैं। तो चाय आ रही है, तब तो बैठते हैं। तो दोस्तों गोरखपुर पहुंचने वाला हूँ। गोरखपुर यहाँ से 38 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो मैं रुक गया था इधर थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए, फ्रेश होने के लिए, थोड़े मवाद दे के। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:20 हो गए। तो अभी इधर मस्त एक छोटी सी दुकान मिल गई थी इधर, तो इधर मस्त मैंने चाय भी ली, थोड़ा हाथ मुँह धो लिया। तो अभी निकलेंगे बस गोरखपुर के लिए और लगभग एक घंटे में बन जाएंगे। दोस्तों अपनी गाड़ी जिसका कि नाम मैंने अभी बादल रख दिया है, एकदम मस्त परफॉर्मेंस दे रही है और एकदम चलती चली जा रही है, खड़ 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 लेके आए। लेकिन अंधेरे में थोड़ा प्रॉब्लम होता चलाने के लिए, क्योंकि रात में चलाने की आदत भी नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ रही है। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा अंधेरी वजह से थोड़ा सब प्रॉब्लम है विजिबिलिटी में, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे में नेपाल बॉर्डर। गोरखपुर पीछे निकल चुका है और हम जा रहे हैं अभी सोनौली बॉर्डर की तरफ। और तो दोस्तों दिन निकल आया है और यहाँ से बॉर्डर बचा है अभी कि 104 किलोमीटर बता रहा है। तो 2 घंटा का टाइम है, तो 2 घंटे हम पहुँच जाएंगे बॉर्डर पे। ये जो जंगल है दोनों साइड में, ये काफ़ी दूर तक जाएगा हमारे साथ। पहले जब मैं आया था नेपाल तब मैंने देखा था, ये चारों तरफ मस्त हरियाली है। यहाँ से चालू हो गई है ट्रक की लाइन, सामने बोर्ड दिखा रहा है काठमांडू 288 किलोमीटर, सनौली 9 किलोमीटर। नेपाल की नंबर प्लेट देखना शुरू हो गई है, मतलब बॉर्डर आ ही गया। अभी हम इंडिया में ही हैं, पता नहीं इनको भी भंसार लेना पड़ता है क्या, जैसे हमें नेपाल में जाने के लिए भंसार लेना पड़ता है। दोस्तों पूरा सामान निकाल के इसमें डाला मैंने, फिर बांधा, ऊपर जाने दिया। कड़क चेकिंग है, कड़क एकदम। अभी मंसार बनवाना है।
मस्त मंजर बनता है। मुक्तिनाथ जाएंगे, मुक्तिनाथ जाना है। आइए सर, सुमो के पोखरा के दर्शन जाएंगे। वो मुझे है टेंशन नहीं है। कितने दिन का परमिट बनेगा? 10 दिन का। 10 दिन का लाइए बनवा दे। क्या दूं? अरे आइए बना आरसी लाइसेंस ना तो वो इन पे लगा लेना। तो हैं आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल। हां कितना पैसा लगेगा? चेकिंग हो गई, क्या नजारा है। अभी तो आपको पहाड़ दिखे होंगे शायद, और अभी भी नहीं दिखे तो टेंशन मत लीजिए, पहाड़ ही दिखाऊंगा मैं आपको जरूर। मतलब क्या यार, मतलब ये ऐसे पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ तो मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, नेपाल में देख रहा हूँ। मतलब एक बार पहले आया था तब देखा था एक, अभी क्या नज़ारा है। दो पहाड़ों के बीच में पीछे पहाड़ है एक, उसके ऊपर बादल, गजब मज़ा आ गया दोस्तों। ये नज़ारा देख के ना पूरी थकान दूर हो गई है एकदम, एकदम मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये अपना बादल एकदम बादलों में चला जाए तो और मज़ा आ जाएगा, क्या बात है। जहाँ मैं बंसार बनवा रहा था उसके बाद मुझे चेक पोस्ट पर रोका जो पुलिस वाले थे, यानी का ब्लू ड्रेस है, वो पूछ रहे थे कितने की बाइक है। मैंने बोला कि लगभग 3 लाख की है। बोले यहाँ तो नेपाल में तो ये 7 लाख की होगी, क्योंकि टैक्स वगैरह ज़्यादा लगता है नेपाल में, इसलिए। बोले गाड़ी क्या मस्त है, घोड़ा है घोड़ा, सब लोग बोलते हैं मतलब घोड़ा हॉर्स, इसलिए मैंने नाम भी सही रखा है बादल। हवा से बात करता है अपने बादल, थोड़ी हवा भी ठंडी हो गई इधर पहाड़ की वजह से। ये पहाड़ देख के हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। आपको पहाड़ देख के मुझे पेट्रोल पंप भी दिख गई, डलवा लेते पेट्रोल। अभी दूसरा माइक लगाया है, देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। कल रात में 10 बजे चला था बनारस से, और सुबह 8 बजे में नेपाल के अंदर इंटर कर दिया था। उसके बाद मैंने अपना डॉक्यूमेंटेशन किया, बंसार वगैरह बनवाया, सिम लिया उधर से, करेंसी एक्सचेंज की, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया पोखरा के लिए निकल गया दोस्तों। ये देखो नज़ारा, सामने पहाड़ बादल, और ये एक सांप जैसे रोड, वाह वाह। ओ हो, ये क्या है, तानसेन है क्या, कौन सी जगह है, देखते हैं आगे चल के। क्या बात है, क्या मस्त नज़ारा है दोस्तों। बादल देखिए, और ये शायद बस स्टॉप है, ये बैठने के लिए बनाया ये। अच्छा, थोड़ी दुकान भी है। अभी पोखरा के रास्ते में हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गया था। एक अच्छा सा पेड़ मिला, इतना बड़ा देख रहे हो आप, और सीनरी एकदम मस्त, व्यू इतना अच्छा था कि रुक गया था थोड़ा रेस्ट करने के लिए।
इतना थक गया हूँ दोस्तों, और एक और नई प्रॉब्लम आ गई है, जो मेरा माइक है गोप्रो का, तो वो कभी रिकॉर्ड ये साउंड आ रहा है उसमें, कभी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो लगी रहती है इनकी। अभी मेरे पास एक दूसरा माइक है, उसको ला के देखता हूँ, अगर वो भी काम नहीं किया फिर पोखरा में देखना पड़ेगा, फिर माइक मिलता है तो, नहीं तो फिर मोबाइल से ही ब्लॉक करना पड़ेगा। तो क्या करें, बड़ी दिक्कत है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप व्यू देखिए, व्यू सामने कोई तो सिटी है, पोखरा तो नहीं है, क्योंकि पोखरा तो भी भाई सब काफ़ी दूर होगा, 130 या 150 कहीं दिखा नहीं है। मुझे लग रहा है ये तानसेन सिटी है, तानसेन, जहाँ भी थोड़े पहाड़ों में थोड़ी जगह है वहाँ घर बने हुए हैं। उधर थोड़ी जगह कर ली तो उधर मकान बन गया, समतल जगह कम है ना इसलिए। पोखरा 125 किलोमीटर दूर है अभी, अभी तो काफ़ी है बाबा, कम से कम 3 घंटा तो लग जाएगा, कम से कम लगेगा 3 घंटा, उससे कम नहीं। हाँ तुम जाओ भैया, जाओ जाओ जाओ। क्या मस्त नज़ारा, लेकिन थक गया हूँ दोस्तों, सुबह से चलने बाइक चला चला के हालत ख़राब हो गई है। तो इधर एक जगह मिली थोड़ी सी, तो सोचा कमर से भी कर, और ठंडी ठंडी हवा है तो एकदम मस्त आनंद आ रहा है। आप देख रहे हो इधर भी है, पीछे देखिए क्या नहीं। तो सोच रहा हूँ थोड़ा 10-15 मिनट या आधा घंटा रेस्ट करके फिर निकलता हूँ मैं पोखरा के, वैसे रुकते रुकते जाएंगे, और अगर आप लोगों की नहीं पहुँच पाए तो रुक जाएंगे। तो देख रहा हूँ कैसा नज़ारा है बस। अभी यहाँ से पोखरा करीब 100 किलोमीटर दूर है, तो 3 घंटे लग जाएंगे, 2.5 या 3 घंटा, क्योंकि रोड एकदम छोटा छोटा और पहाड़ पे है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो दोस्तों एंजॉय कर रहे हो नहीं आप बताना, मैं तो काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ, एकदम ठंडी ठंडी हवा है, क्या बताऊँगा आपको। पोखरा में बारिश तो नहीं हो रही है, देखो मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो दोस्तों क्या मस्त व्यू है। तो आपको ये नेपाल सीरीज में ऐसे ही ब्लॉग मिलेंगे, पूरी खूबसूरती दिखाऊंगा मैं आपको नेपाल के बारे में। तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में, 15-20 मिनट आराम करके थोड़ा अच्छा लगा, नींद आने लग गई थी इसलिए फिर मैं जल्दी उठ गया, चलें नहीं तो लेट हो जाएंगे, यहीं सोते रह जाएंगे। और थोड़ा बादल भी हो रहे हैं, बारिश बारिश हो इससे बढ़िया, जितना कवर हो जाए उतना अच्छा है। थोड़ी थोड़ी बूंदें भी आना शुरू हो गई हैं, ज़्यादा बारिश नहीं आनी चाहिए, इधर तो बारिश भी हुई है, बारिश हो रही है। गोप्रो को निकालना पड़ेगा, निकाल के रखना पड़ेगा।
छोटे छोटे घर, बड़े बड़े पहाड़, क्या बात है। ये बस वाले बार बार मेरे पीछे आ जाते हैं, ये तो सटासट घुमा घुमा के एकदम से ले लेते हैं, हमको एक्सपीरियंस कम है ज़रा। आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इधर हर दुकान पर परचूने की दुकान वगैरह है, जो भी उधर बिस्की मिल जाएगी। सही है, ये सामने जो ये रोड गया है पोखरा के लिए, यहाँ तानसेन एक कस्बा है, उधर जो दिख रहा था पहाड़ों से वो दोस्तों भी पोखरा 30 किलोमीटर दूर है। तो इधर मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ, कितना मस्त रेस्टोरेंट, देखिए व्यू कितना अच्छा व्यू दिखता है इधर से, कुछ इस तरीके का रेस्टोरेंट है देखिए। तो इधर मैंने ऑर्डर किया ऑमलेट और चाय, थोड़ा खा लेंगे तो एनर्जी आ जाएगा, उसके बाद फिर 30 किलोमीटर प्रोग्राम फिर कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा मुंह धो लिया, फ्रेश लग रहा हूँ, लेकिन बहुत थक गया हूँ, थोड़ा हेडेक भी हो रहा है। अभी तो और 30 किलोमीटर चलना है, उसके बाद कहीं रूम वगैरह देखेंगे, आज तो आराम करूँगा, शाम को तो कहाँ निकलेंगे, शाम ही हो जाएगी। तो दोस्तों नाश्ता करता हूँ, चाय ऑमलेट आ गया, खाता हूँ एकदम गरम गरम, भूख लग रही है तो इसलिए एकदम अच्छा भी लग रहा है। बताना भूल गया था कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, तो आपका भंसार बनेगा जितने दिन आप रुकोगे उतने दिन का, तो उसका फीस है इंडियन 135 रुपये। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और RC ओरिजिनल, और वो आपके नाम पे होनी चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा। सिम के लिए आपका आधार कार्ड और सिम मिल जाएगा आपको, इतना ही डॉक्यूमेंटेशन होता है। और कोई बोलता है कि आपको रोड टैक्स भी जमा करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाइक के लिए कोई रोड टैक्स नहीं है, तो ध्यान रखें कहीं कहीं बोल के आपसे पैसे ले ले, तो ये डॉक्यूमेंटेशन लगता है। और मुक्तिनाथ के लिए अगर परमिट मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको उसमें क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं उसके लिए अपडेट कर दूंगा आपको कल या परसों। दोस्तों देखिए हैंगिंग ब्रिज क्या मस्त है, दोनों पहाड़ियों को जोड़ रहा है, बाइक वगैरह भी जाती है क्या? बाइक